के मुख्य बाजार में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध मामले में जिला प्रशासन और नाहन के व्यापारी वर्ग आमने सामने आ गए हैं। दिन के समय वाहन प्रवेश बंद करने के निर्णय पर व्यापारी वर्ग ने विरोध जताया और डीसी से मिलने पहुंच गए। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले को लेने से पहले बाजार में कार्य करने वाले व्यापारियों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बाजार में रहने वाले व्यापारियों को बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने, बुजुर्गों को अस्पताल छोड़ने जैसे अन्य कई काम पड़ते हैं, और अगर बाजारों में वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 8 बजे से ही बाजार में बंद कर देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। बाजार में सब्जी की दुकानें भी है, सब्जी मंडी से सब गाड़ियों में ही सब्जी आती है, और जितने भी राशन की दुकानें और सब है, रोज होलसेल की दुकानों से गाड़ियों में भरकर राशन और सब सामान बाजार में आता है। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट वाले भी बाजार के सभी जो दुकानें हैं उनमें सुबह के समय ही सामान छोड़ते हैं। ऐसे ही बाजार में रहने वाले जो दुकानदार हैं, हम लोग हैं जिनके घर भी बाजार में ही हैं, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल से लेके आना है, घर में बुजुर्ग भी हैं, उनको किसी को अस्पताल जाना है, किसी को मंदिर जाना है या कहीं भी जाना है। इस प्रकार की बहुत सी दिक्कत और परेशानी है जो इस निर्णय के कारण हम सबको होने वाली है। वहीं इस मामले पर डीसी सुमित खिमटा का कहना है कि बाजार में खासकर दोपहिया वाहनों के प्रवेश होने के चलते काफी समस्या आ रही थी, जिसे लेकर पुलिस विभाग को सख्ती से ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसने के निर्देश दे दिए गए हैं। परसों विजिट किया था उस तरफ, तो मेरे भी संज्ञान में आया कि जो टू व्हीलर्स हैं वो काफी वहाँ पे आवाजाही कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो लोग चल रहे हैं वहाँ पे, तो वैसे ही गलियाँ थोड़ी कंजस्टेड भी हैं, तो उनको भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि कई जो लोग स्कूटर्स पे चलते हैं तो वो स्पीड में भी होते हैं। तो हमारी तो यही कोशिश है कि जो ऑलरेडी नोटिफाइड है टाइमिंग्स, विंटर में 9 से 7 सुबह, 9 बजे से शाम के 7 बजे, और समर्स में 8 बजे से शाम के 8 बजे, तो इसमें हमने पुलिस अथॉरिटीज को क्लियर कट डायरेक्शन दिए हैं कि वो इसको थॉरली और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। बहरहाल व्यापारियों ने डीसी को शिकायत सौंप कर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन ने इस निर्णय को लागू भी कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस निर्णय पर दोबारा विचार करता है या फिर नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।